वाडिया ग्रुप की करीब 15 वर्ष पुरानी विमानन कंपनी गो एयर ने रीब्रांडिंग करते हुए नाम में भी बदलाव किया है। कंपनी का फोकस अब ULCC पर है, यानी अल्ट्रा लो कॉस्ट करियर। यह जानकारी कंपनी ने ट्वीट कर दी है। कंपनी ने ट्वीट कर बताया है कि गो एयर अब गो फर्स्ट, चाहे वह आपकी सुरक्षा हो, आपका समय हो या आपकी सहूलियत हो, गो एयर पर आप हमेशा पहले आओ। अल्ट्रा लो कॉस्ट किराए पर अगली पीढ़ी के बेड़े के लाभों का अनुभव करें, ताकि आपकी यात्रा योजनाओं में कभी बाधा ना आए। हम आपको जल्द ही बोर्ड पर देखने की उम्मीद करते हैं। आपको बता दें कि कंपनी के बेड़े में अभी करीब 50 विमान है। कोरोना महामारी के काल में विमानन सेक्टर को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इसमें आर्थिक नुकसान भी हुआ है। इनसे उबरने के लिए कंपनी अब लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल को अपनाने का निर्णय किया है। बताया जाता है कि गो एयर पब्लिक इशू लाकर प्राइमरी मार्केट से पूंजी जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ने बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज भी जमा कराए हैं। बताया जाता है कि पब्लिक इशू के जरिए 3600 करोड़ रुपये जुटाने की कंपनी की योजना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह पब्लिक इशू सितंबर 2021 तक लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी IPO के जरिए मिले फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करेगी।